मैं आपको टूर दूंगा मैडम, उसका कैसे है अंदर और इस तरह का मैडम जो देसी स्टाइल में बना हुआ, बट मैं तो नहीं रहूंगी। हाय गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं यहाँ से गोलापार। गोलापार में हमारा एक छोटा सा फार्म है, वहाँ पे आज हम लोग आपको की लाइफस्टाइल दिखाने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो गाड़ी है वो टाटा अल्ट्रोज है, और रिसेंटली अभी मैं सर्विस करा के आया था तो इसमें एक अपग्रेड आया था छोटा सा, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है उस पर, तो काफ़ी अच्छा यूआई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, पहले से तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे घड़ी वगैरह दिख रही है, अभी बज रहा है 3 और हम लोग निकल रहे हैं हल्द्वानी से गोलापार। हमें अप्रॉक्स आधा घंटा वहाँ पे पहुँचने में लगेगा। साथ ही साथ में भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे जो एक मड हाउस है जहाँ पे लोग रहते हैं वो किस तरह का मड हाउस है, उसके अंदर का टूर लेंगे और थोड़ी सी वहाँ की वाइब्स, चिल वाइब्स लेके आएंगे और सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बाकी साथ में मेरे चल रहे हैं पिताजी और माताजी और मेरा छोटा भाई, अभी वो आ रहे हैं, उनका हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हैं, और साथ में बगल में पिताजी बैठे हुए हैं। पापा हाय कह दो एक बार। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं मुखानी चौराहे पे। अगर आप हल्द्वानी से हो तो आपको जरूर इस चौराहे के बारे में पता होगा, काफी फेमस है। सो गाइस, गोलापार को जाते वक्त ये पड़ता है आपका रेलवे फाटक, और ये देख लेते हैं वहां से रेल तो नहीं आ रही कोई। कैसा लगा मेरा मजाक? सो गाइस, अगर आप लोग हल्द्वानी से हो तो आपको ये जगह काफ़ी फेमिलियर होगी, क्योंकि ये जो पुल है ये गोला नदी के ऊपर बना हुआ है, और जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह का नाम गोलापार इसीलिए क्योंकि वो जो प्लेस है वो इस गोला नदी के पार पड़ता है। और अभी हम इस पुल को क्रॉस करेंगे और यहाँ पे काफ़ी फेमस पुल है, हमें आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए लोग शाम को आते हैं, काफ़ी ठंडी हवा चलती है, साथ ही साथ में यहाँ से नज़ारे भी काफ़ी सामने दिखते हैं। प्लस पॉइंट यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम है जिसमें बहुत टाइम पहले, कुछ टाइम पहले आई गेस रेसलिंग वगैरह भी हुई थी, तो ग्रेट खली भी यहाँ पर आया था। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया, अगर आपने देखी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस फिलहाल हम पहुंच गए हैं गोलापार। अरे चाबी अंदर ही रह गई। यहाँ पे मेरे पिताजी के मामा जी के घर हम भी रुके हैं, इसके बाद हम वहाँ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम था मम्मी का कुछ, तो यहाँ पे अभी बातचीत करते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे वहाँ, और वहाँ आके आपको वहाँ का पूरा दिखाएंगे क्या क्या है, व्यू है वगैरह है। और फिलहाल ये जो है, पहले जब मैं यहाँ पे बचपन में काफ़ी आया करता था तो पूरा यहाँ पे खाली था, अभी तो बहुत सारे मकान बन गए हैं और काफ़ी सारा जो एरिया है डेवलप हो गया है। गाइस, ये मेरे मामा जी हैं, ये मतलब मेरे पिताजी के मामा जी हैं, तो हम सभी लोग मामा जी बोलते हैं इनको। मामा जी, मंदिर कितना पुराना हो गया है? सबसे पुराना, जब से गाँव बना हुआ था आपका पुराना मंदिर, मतलब लगभग बहुत पुराना है, बहुत पुराना। तो ये जो मंदिर है, हम बचपन से आते हैं, हम काफी जब भी आते हैं दर्शन करने जरूर आते हैं, ये मंदिर ही जा रहे हैं। बुजुर्गों ने बना हुआ, बुजुर्गों से पहले का है। हाँ, काफी पुराना मंदिर है, अभी तो बहुत ज्यादा जीर्णोद्धार कर दिया इसका, काफी अच्छा सीमेंट का बना दिया। पहले छोटा सा मंदिर हुआ करता था यहाँ पे आम के पेड़ के यहाँ पे। ये हमारे नब्बू भाई हैं, नब्बू दाई, बचपन से हम इनके साथ खेलते खेलते भाई लोग। ये देखो, पहले एक छोटा सा मंदिर होता था यहाँ पे, मेरे दादाजी ने यहाँ पे एक मूवी बनाई हुई है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये जो पेंटिंग देख रहे हो ना आप अंदर, ये माता की पेंटिंग मेरे दादाजी ने बनाई है। हाँ, बहुत बढ़िया, जय माता दी, बहुत बढ़िया, दर्शन हो गए माता के इतने दिनों बाद, जय हो माता। सो गाइस, ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है पूरी मेरे दादाजी ने अपने हाथ से बनाई हुई है, बहुत ही शानदार जबरदस्त एकदम। जी का मंदिर यहाँ पे बहुत बढ़िया बन गया यार, मतलब पहले तो इतना बढ़िया था नहीं है। अंग्रेजों के जमाने के पेड़ है, 1958 की जन्मदिन मेरी है, 1958 की मेरी है। अच्छा, लगा लो। अब मेरे कितने बुजुर्ग के भाई लोग, बहुत आम खाए हमने इस पेड़ के, तोड़ तोड़ के। हम जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ पे लगाई जाए। यार मम्मी ने लगा दिया पेड़, यार ऐसी गुजारे की मम्मी घर के लिए भी लेनी पड़ेगी हम गमलों में। सो गाइस, उधर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो है कि वहाँ से रोड से जा सकते हैं, थोड़ी रोड थोड़ी ना कच्ची बच्ची है और थोड़ा लंबा भी घूम के जाना पड़ता है, और रोड थोड़ी बहुत ही ख़राब है, तो मुझे लगा वो पतली भी है एक्चुअली, तो मुझे लगा गाड़ी ही खड़ी कर देता, मामा जी के यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, अभी यहाँ से पैदल जा रहे हैं। थोड़ा सा ही पैदल रास्ता है ये, बिल्कुल अच्छा, बहुत ही बढ़िया करके रास्ता बनाया हुआ है, छोटा सा ट्रैक हो जाता है, और ये ट्रैक करते करते हम अभी जाएंगे हत्तेबार, और हत्तेबार के बाद फिर हमारा वो खेत आ जाएगा, और फिर आपको दिखाता हूँ मैं वहाँ का सीन। फ़ोन आ गया यार। मम्मी एक बार सच्ची सच्ची बताना, हल्द्वानी में ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ ज़्यादा गोलापार ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जहाँ हल्द्वानी यहाँ पे है यहाँ अच्छा लगता है? हरा भरा इधर से वो रास्ता हरा भरा तो अच्छा लगता है, फिर यहाँ पर
अपना नहीं है तो वही जहाँ अपना होता वही अच्छा लगता है। हाँ मतलब ठीक है, लेकिन नेचुरल अभी नेचुरल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम गाड़ी में आ रहे थे बहुत आनंद आ रहा था क्योंकि हरा दिख रहा था आँखों में, काफी ही कहते हैं कि आंखों में काफी शांति मिल रही थी हरा। अच्छा, वो हरा भरा देख के बहुत आनंद। लेकिन अगर हाँ हम झोपड़ी बना दे और हम लग जाए तो कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया। पक्का होता हो फिर? बट बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल कर लेंगे, ऐसी भी क्या बात है। क्या बोलते हो दोस्तों, झोपड़ी बनानी चाहिए यहाँ? जरूर कमेंट करके जरूर बताओ मुझे। बट मैं तो नहीं रहूंगी। देखा ये रहेगा। अबे तो ये तो वहाँ जा रहा है रास्ता, ये तो उधर जा रहा है, पता नहीं अब वही बताएंगे आगे से होगा रास्ता मुझे लग रहा है। वो बताएंगे फिर। क्या बोलते हैं इसको? इसको वो बोलते हैं वो ट्यूबल, ट्यूबल ट्यूबल बोलते हैं इसको। सो गाइस इस तरह से यहाँ पे गायों को छोड़ देते हैं घास वास खाने के लिए। ये भी सही तरीके अपना गाय चिल मार रही है यहाँ पे। अबे बात रखा छोटी सी खुटी से और बस दूसरों के खेत में ना जाए, इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा यहाँ पर एरिया मुझे लग रहा है। सो गाइस फिलहाल हम पहुँच गए हैं और बार बार मैं हत्ते बार बोल रहा हूँ कि हमें हत्ते बार जाना है, तो इस नाम के पीछे की क्या मिस्ट्री है वो भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो ये जो दीवार है जिसमें मैं खड़ा हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देखेंगे ये वाली, ये दीवार ना बहुत लंबी दीवार है। इस दीवार को यहाँ पर हत्ता बोलते हैं और इसके पार की जगह को हत्ता बार बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर यहाँ कहीं किसी प्लेस में जाना है इस साइड, तो हम बोलते हैं हत्ते बार जाना है। अब ये दीवार क्यों बनाई गई थी? बहुत टाइम पहले जब यहाँ पर इतना ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी, तो ये दीवार तब से है, बहुत पुराने टाइम से। बिकॉज ये ना ये पूरा जंगल था पहले, और जंगल से जंगली जानवर इधर ना आ जाए, बिकॉज यहाँ थोड़ी बहुत बस्ती इस साइड जहाँ मेरे अभी मामा लोग का घर है वहाँ थोड़ी बस्ती पहले से हो गई थी। तो वहाँ पर जंगली जानवर ना आए, जंगली सुअर ना आए, हाथी वगैरह भी आते हैं यहाँ पर वो ना आए, उस करके यहाँ पर उस टाइम पर ये दीवार बनाई गई थी। सो गाइस ये देखिए सारी झोपड़ियाँ मड हाउस बनाए हुए हैं यहाँ पे प्रॉपर, और एक गाय वगैरह रखी हुई है यहाँ पे। ये देखिए इसका नाम क्या है? मीनू। अच्छा अच्छा ले ले ले, ये देखो भैया छोटी सी प्यारी सी किटी, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। बेटे आजा आजा, मस्त। सो गाइज ये है वो मड हाउस जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, आपको टूर दूंगा मड हाउस का कैसे है अंदर। मुझे लगा था बिजली नहीं है, बट यहाँ पे बिजली है, यहाँ पे अवेलेबल, तो लाइट इनकी आई हुई है, पंखा भी चल रहा है मस्त। चलिए इसके अंदर चलते हैं। इस मड हाउस की खासियत ही होती है गर्मियों में इसके अंदर ठंडी रहती है, हाँ, और जाड़ों में इसके अंदर गर्मी रहती है, क्यों भैया? हाँ हाँ। तो चलिए आप इसके अंदर जाके देखते हैं कैसा है अंदर, कैसा कैसी व्यवस्था है इसके अंदर, कितना बड़ा है, कमरे वमरे देख के आते हैं, है ना। ये यहाँ पर उन्होंने बढ़िया एकदम। मम्मी क्या कर रहे हो? क्या खो दिया? कुछ नहीं, कुछ खोते रहता तुम्हारा तो। ये किचन है दीदी? खाली तो। देखो दीदी हमारे लिए कुछ बना रही है। क्या दीदी क्या पिला रहे हो? मट्ठा। देखो मट्ठा पहले पियेंगे बढ़िया करके। ये किचन है बढ़िया एकदम शानदार। ये चूल्हा भी इन्होंने एकदम देसी जगह पे अंग्रेजी चूल्हा लगाया हुआ है। ये वो बायोगैस वाला होगा ना? हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये एक छोटा सा घर है मड हाउस जो मैं आपको बता रहा था, काफी अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे रहने को मिल जाएगा तो काफी मजा आ जाएगा, जिंदगी शांति मिल जाएगी जिंदगी में। ये देखो पूरा मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी का बना हुआ है, गोबर और मिट्टी का लेप बना के बनाते हैं, लकड़ी का स्ट्रक्चर बना के। तो ये देखिए यहाँ पे ये बेडरूम है, यहाँ पर रहने की व्यवस्था पूरी बनाई हुई है उन्होंने। तो मैंने इनसे परमिशन ले ली थी कि मैं अंदर की वीडियो शूट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कर लीजिए। तो हमने बढ़िया करके देखा मड हाउस। और इसकी छत में जो है ना दोस्तों, इसकी छत दिखाता हूँ आपको। ये जो पीछे छत दिख रही है मेरे ऊपर, ये छत जो है ना ये लकड़ी की बनाई हुई है, उसके ऊपर झाड़ियाँ लगाई हुई है, फिर एक पिरूल करके घास होती है, वो घास लगाई, फिर साथ में एक ना प्लास्टिक की लेयर भी लगाते हैं ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। तो काफ़ी अच्छी प्रोटेक्टेड रहती है छत, और इस ये भी गर्मी को रोकती है और जाड़ों में अंदर गर्मी बनाए रखती है। तो काफ़ी अच्छा है ये जगह अगर आप रहना चाहते हो कभी भी, तो एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो मड हाउस एक बहुत ही सही जगह मुझे लगी। और इस तरह का मड हाउस जो देसी स्टाइल में बना हुआ, क्योंकि कई जो मड हाउस होते हैं ना जो कमर्शियल होते हैं वो एसी वेसी वाले होते हैं, बट इस तरह का मड हाउस जो देसी स्टाइल में बना होता है ना उसकी बात ही अलग होती है। आप इस मड हाउस में अगर रहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल ये है अपना छोटा सा एरिया गोला पार के पास का, जहाँ पे खेती वगैरह हो रही थी। आजकल शायद उन्होंने भुट्टे वुट्टे लगा रखे हैं, भुट्टे हैं ना भैया, मक्का लगाई हुई ना। ये है भाई साहब जिनका जिनकी जिनका मड हाउस है, क्या नाम है भैया आपका? दीपक परगाई। दीपक परगाई भाई साहब ने बनाया हुआ है मड हाउस बढ़िया करके। और अभी खेत में क्या उगाया हुआ है? अभी मक्का और धान। मक्का और धान, धान की रुपाई होगी? होगी। हाथी वाती तो नहीं आ रहे आजकल? हाथी ने तो पूरा, अरे हाथी पूरा रौद रखा, रात को आ जाते हैं? रात को। अरे बाप रे बाप, भाई साहब यहाँ हाथी वाती भी आ जाते हैं रात को 9 बजे के बाद तो आतंक है यहाँ हाथी का। अच्छा जी। हाँ। तो आप लोग घर के अंदर छिप जाते हो? लेंटर में बैठे रहते हैं। अच्छा? भगाने पड़ते हैं, जान माल का खतरा ठहरा। अरे भाई साहब, तो मतलब ये एक रिस्क है यहाँ पर हाथी का, लेकिन अगर आपको देखने को मिल जाए तो मजा भी जरूर आने वाला है।
तो गाइस ये देखिए, ये भुट्टे का यहाँ पे खेती हुई है मस्त, एकदम मक्का लगी हुई है ऑर्गेनिक एकदम, ये देखिए। तो यहीं से तोड़ के हम खा भी सकते हैं, अपना ही खेत समझ लो। अरे भाई साहब घास तो बड़ी लंबी हो रही है, डर भी लग रहा कहीं कुछ आ ना जाए। ये हुआ तुम तो नीचे वाले चाचा। अरे चाचा लोग का बढ़िया एकदम। तो ये आज ये खाली को छोड़ लगा, इसमें कुछ उगाया नहीं है? इसमें चारा था, टमाटर लगाऊंगा। टमाटर लगाओगे? टमाटर बहुत होता है ना इधर साइड को, होता है मौसम की मार नहीं पड़ी। तो भैया ये है प्योर मट्ठा यहाँ का, एकदम ऑर्गेनिक बनाया हुआ है, ऐसा कोई मार्केट का मट्ठा नहीं है, घर पे बनाया हुआ है। चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा हो रहा है। इसका स्वाद ही अलग होता है। इसमें चीनी भी मिलाते हैं क्या? चीनी मिलाते हैं इसमें? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया दीदी मट्ठे में। हाँ बू, मेरे ना बहुत सारे साथी देखते हैं वीडियो, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है यहाँ की वो देखना, पहाड़ों की यहाँ की ना लोकल लाइफ देखना अच्छा लगता है। तो मैं कैमरे के जरिए उनको पहुँचाते रहता हूँ। आजा आजा मियाओ 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 मियाओ, ये बड़ी क्यूट लगी यार मुझे, ले जाऊँगी इसको। सो गाइस, इस जगह से हमारा बहुत पुराना नाता है, बिकॉज जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे पहाड़ में, जब हमारी जाड़ों की छुट्टियाँ पड़ती थी तब हम लोग यहाँ पे आके रहते थे। यहाँ पे हमारी एक झोपड़ी थी, ये हमारे पड़ोसी हैं, और इसके बगल वाला जो खेत है वो हमारा खेत है, जो आपने देखा यहाँ पे मक्का वगैरह लगी हुई थी। तो अभी हम आपको छुप गई, देखो छुप गई, कुत्ते की आवाज़ सुन के छुप गई। तो अभी हम जा रहे हैं पीछे की तरफ की, पीछे ये क्योंकि खेत है जंगल तक जाता है पूरा, और यहाँ पे हमारी झोपड़ी हुआ करती थी। और वो जो पीछे आपको दिख रहा है ना, वो सामने वो हमारा वॉशरूम हुआ करता था उस जमाने का, अभी तो पूरा ख़राब हो गया है, यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो झोपड़ी भी तोड़ दी थी उस टाइम बहुत पहले। तो अभी ये है, यहाँ पूरी घास फूस पैदा हो गई है, तो अभी इसको वही देखभाल ही करते हैं जिनके घर हम अभी हम आए हैं। और ये हमारा पीछे वाला खेत है, ये यहाँ से उधर जंगल तक जाता है। ये देखो कितना मस्त हरा भरा लग रहा है, गेहूँ उगाए हैं इधर साइड भी और उधर साइड भी, ये देखो। सो गाइस, जो पगडंडी सी दिख रही है ना यहाँ पे दोनों खेतों के बीच में जो डिवाइड करती है, इसे मीड़ बोलते हैं यहाँ पे, इसी से रास्ता बना के लोग जाते हैं, लोकल लैंग्वेज में मीड़ बोलते हैं, पता नहीं आप यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, अभी हम खेत के पीछे तरफ आए हैं, तो यहाँ पे हाथी ने कुछ फसलों को नुकसान किया हुआ है। देखिए पाँव कितने बड़े हैं हाथी के, देखो ये पूरा, ये हाथी ने देखो इतना पूरा पाँव है हाथी का, और ये पूरी फसल इन्होंने हाथी ने यहाँ पे रौंद रखी है, जैसे कि आप देख रहे हो नीचे दबी दबी सी हुई है। तो ये फसल सारी जो है ये हाथी ने रौंद के ख़राब कर रखी है। ये जंगल है सामने, बहुत घना जंगल है यहाँ से आगे, और इस जंगल से ही सारे जानवर आते हैं इधर, हाथी वगैरह सब पार कर जाते हैं, बहुत ही मतलब लोग बोल रहे हैं काफ़ी नुकसान कर देते हैं कभी कभी तो। और ये लोग फिर छत में वहाँ पे लंटरों वगैरह में खड़े होकर वहाँ से ढोल कंटर वगैरह बजा बजा कर उनको भगाते हैं। यहाँ से नज़ारा भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है वैसे सामने पहाड़ों में यार, ज़बरदस्त। सो गाइस, जो पीछे मैंने जंगल बताया वो जंगल गोला रेंज में आता है, और ये जंगल जल्द ही नेशनल पार्क भी बनने वाला है, ऐसा भैया ने बताया। और उसके लिए वहाँ यहाँ पे ना एक दीवार भी बन रही है बहुत बड़ी जंगलात वालों की तरफ से, अभी हालांकि वो आधी बनी हुई है। तो बस यही था, बस हम लोगों ने खेत वेत देख लिया, आप लोगों को मैंने सारा घुमाया, और मड हाउस का भी टूर दिया भैया का, कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना ताकि सबसे पहले वीडियो आपको पता लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी, ठीक है भैया, बाय बाय कर दो एक बार कैमरे को, अरे कर दो शर्मा की रहो, कर दो ऐसे ऐसे वैसे कह रहे हो, हाँ और क्या ये, हाँ अरे शर्मा की रहो। कौन सी क्लास में पढ़ दो बेटा? नाइन्थ में। आजकल तो कोविड के वजह से सीधे पास हो रहे होगे, बहुत बढ़िया। हेलो बेटा, पूनम बिस्ट, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में, बहुत बढ़िया बेटा। इधर को ये बच्चा बाल्टी हमारे मामा जी के घर के, बेटा नाम बताओ अपना पहले,
नाम क्या आपका? नाम बताओ, बोलो नाम, बोलो फटाफट। सब्सक्राइब और शेयर करना। आप बताओ नाम। कनिष्का। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। आप? तमन्ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बारहवीं। जोर से बोलो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? टू क्लास में। नाम क्या आपका? उदित कब्दवाल। हैं? उदित कब्दवाल। उदित? उदित कब्दवाल। ओके, आपका नाम? नैतिक। नैतिक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ। और आप? अंजलि कब्दवाल। और क्लास? और आप? खुशी कब्दवाल। और क्लास? थैंक यू।